Hey guys, Gizmodic here और ये है Realme 3 Pro। तो ये अभी का वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर फोन है क्योंकि 14,000 रुपीज़ में Realme आपको बहुत सारी चीज़ें दे रहा है ये फोन के साथ, और ऊपर से ये डायरेक्टली Redmi Note 7 Pro के साथ कम्पीट करता है। तो मैं पिछले एक महीने से एक्चुअली ये फोन को यूज़ कर रहा हूँ और आज मैं इस फोन का एक फुल रिव्यू करने वाला हूँ और आपको बताने वाला हूँ कि क्या आपको ये फोन एक्चुअली खरीदना चाहिए या फिर नहीं। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो शुरू करते हैं, पर अगर आपको वीडियोस ऐसे मिस नहीं करने तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन भी दबा देना ताकि आपको मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहे। और अगर आपको आपके Realme 3 Pro के लिए बेस्ट टेम्पर्ड ग्लास चाहिए तो glazedin.com का चेकआउट कर लेना। इनके पास एक्चुअल 2.5D कर्व टेम्पर्ड ग्लास है Realme 3 Pro के लिए और दूसरे काफी सारे फोन्स के लिए। तो मेरे हिसाब से वन ऑफ द बेस्ट टेम्पर्ड ग्लास है, ऑल ओवर इंडिया अवेलेबल है। और अगर आपको खरीदना है ये टेम्पर्ड ग्लास तो glazedin.com पे जाइए और प्रोमो कोड गिज्मो यूज कीजिए ताकि आपको 10% डिस्काउंट भी मिले। अब बिना टाइम वेस्ट किए Realme 3 Pro का रिव्यू शुरू करते हैं। तो Realme 3 Pro अभी Realme का एक फ्लैगशिप डिवाइस है और Realme ने इस फोन पर काफी सारे इंप्रूवमेंट्स किए हैं। तो मुझे पुराने Realme फोन से जैसे कि Realme U1, Realme 2 Pro और Realme 3, उनसे थोड़ी थोड़ी कंप्लेंट्स थी, तो Realme ने काफी सारी कंप्लेंट्स Realme 3 Pro के साथ रिजोल्व कर दिए। उनमें से सबसे बड़ी कंप्लेंट थी कैमरा टू API का सपोर्ट। तो जब Realme 1, Realme 2 Pro, Realme U1 ये सारे फोन्स लॉन्च हुए थे तो उन पर कैमरा टू API का सपोर्ट नहीं था और बाकी सारे कंपटीशन में जो फोन्स थे उन पर था। तो अभी Realme ने ये फिक्स कर दिया क्योंकि Realme 3 और Realme 3 Pro के साथ बाय डिफॉल्ट कैमरा टू API का सपोर्ट आपको मिलता है। तो आप गूगल कैमरा का ऐप आसानी से चला सकते हो और गूगल कैमरा के साथ आप बेहतरीन फोटोज खींच सकते हो Realme 3 Pro पर। तो मैंने एक्चुअली एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो बनाया है स्टॉक कैमरा वर्सेस गूगल कैमरा Realme 3 Pro पर, तो अगर आपको और जानकारी चाहिए तो आप वो वीडियो चेकआउट कर सकते हो, सारी डिटेल्स वो वीडियो में आपको मिल जाएगी। पर अगर हम स्टॉक कैमरा की भी बात करें तो Realme ने एकदम कमाल का परफॉर्मेंस दिया है Realme 3 Pro पर। यहाँ पर स्पेशली मुझे सेल्फीज बहुत ही अच्छी लगी। अगर हम कलर्स की बात करें, स्किन टोन्स की बात करें, डायनामिक रेंज की ओवरऑल बात करें तो सेल्फीज तो बहुत ही बढ़िया खींचता है Realme 3 Pro। और इसके अलावा अगर हम वीडियो रिकॉर्डिंग की भी बात करें तो यहाँ पर आपको 4K रिकॉर्डिंग मिलता है, यहाँ पर आपको 1080p 60fps का रिकॉर्डिंग भी मिलता है। और Redmi Note 7 Pro के जैसे ये फोन में कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। Redmi Note 7 Pro पर वीडियो एक्चुअली लैग होता है और वीडियो में थोड़े से स्टटरिंग वाले प्रॉब्लम्स है, पर Realme 3 Pro पर फुटेज 60fps की बात करो या फिर 4K 30fps की बात करो, दोनों फुटेज बहुत ही स्टेबल है और कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं है। तो वीडियो डिपार्टमेंट में और सेल्फीज डिपार्टमेंट में मुझे ये बहुत ही अच्छा लगा। इवन इफ अगर हम रियर कैमरा की बात करें तो यहाँ भी परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा है, पर ये कभी कभी फोटोज़ को ओवर सैचुरेट कर देता है। तो अगर आपको ओवर सैचुरेटेड फोटोज़ पसंद नहीं आते तो आप सेटिंग्स में जाके AI मोड को ऑफ कर सकते हो, उसके बाद ये थोड़े से नॉर्मल फोटोज़ खींचेगा। और अगर हम Redmi Note 7 Pro के साथ कंपैरिजन की बात करें तो मैंने एक्चुअली एक अलग से इन डेप्थ कंपैरिजन वीडियो बनाया है ये दोनों फोन्स के बीच में, तो मैं उसे डिस्क्रिप्शन में लिंक कर दूंगा, वहां पर आप जाके उसे देख सकते हो तो आपको पता चलेगा कि दोनों फोन्स में से कौन सा कैमरा ज़्यादा बेटर है। ओवरऑल अगर मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे दूँ तो मेरे हिसाब से Realme 3 Pro का कैमरा काफ़ी मस्त है 14,000 रुपीज़ के लिए, और आपको कैमरा के डिपार्टमेंट में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली क्योंकि आप स्टॉक कैमरा तो यूज़ कर ही सकते हो, आप गूगल कैमरा भी इंस्टॉल कर सकते हो और नाइट साइट जैसे फीचर्स यूज़ कर सकते हो। उसके बाद दूसरा फीचर जो मुझे बहुत ही अच्छा लगा और जिससे Realme ने सबको शॉक कर दिया वो है वूक चार्जिंग। तो अगर आपको पता होगा तो Realme के पुराने कोई भी फोन्स में कोई भी फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट आपको नहीं मिलता, पर Realme 3 Pro पर इन्होंने एक्चुअली वन ऑफ द फास्टेस्ट चार्जिंग ऑप्शंस दे दिया है। तो वूक चार्जिंग बेसिकली डैश चार्जिंग की तरह है जो आपको OnePlus के फोन्स में देखने मिलता है, और ये फोन को एकदम फास्ट स्पीड से चार्ज करता है। तो Realme 3 Pro को एक फुल चार्ज के लिए करीब करीब 80 to 90 minutes ही लगते हैं, तो 1.5 घंटे के अंदर ये फोन कम्प्लीटली चार्ज हो जाता है और मेरे हिसाब से वन ऑफ द बेस्ट है ये सेगमेंट में। Redmi Note 7 Pro पर क्विक चार्जिंग 4.0 का सपोर्ट है, पर फिर भी Xiaomi जो अडेप्टर देता है आपको बॉक्स में उससे उसको मिनिमम 2 घंटे लगते हैं चार्ज होने के लिए। तो उसके कंपैरिजन में Realme आपको वूक चार्जिंग का अडेप्टर फ्री देता है बॉक्स में, और ऊपर से ये फोन एकदम फास्ट चार्ज हो जाता है। तो मुझे इस फोन पर माइक्रो USB पोर्ट के होने से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि इसकी चार्जिंग बहुत ही फास्ट है। अगर आप मुझे टाइप सी का ऑप्शन दोगे या फिर आप मुझे माइक्रो USB विद फास्ट चार्जिंग का ऑप्शन दोगे तो मैं माइक्रो USB पोर्ट ही चूज करूंगा। तो माइक्रो USB मेरे हिसाब से कोई कॉन नहीं है Realme 3 Pro पर, अभी भी काफी सारे लोग माइक्रो USB पोर्ट ही यूज करते हैं, तो आपको कोई चीज का टेंशन नहीं होना चाहिए। ऊपर से फोन में एकदम बड़ी सी बैटरी भी है तो ये आराम से 1 या 1.5 दिन चल जाता है। तो इंस्पायर्ड ऑफ माई हैवी यूजेज दिन के एंड में करीब करीब 15 से 20% बैटरी बच जाती है Realme 3 Pro पर, तो मुझे इस फोन की बैटरी लाइफ भी बहुत ही अच्छी लगी। तो बैटरी लाइफ भी मस्त है, चार्जिंग टाइम भी एकदम फास्ट है, तो ये अगर हम दोनों कॉम्बिनेशन की बात करें तो ये सेगमेंट में Realme 3 Pro बेस्ट है, तो आपको बैटरी लाइफ की तो चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। उसके बाद अगर हम यूजर एक्सपीरियंस की बात करें तो यहाँ पर मुझे सबसे मेजर इंप्रूवमेंट लगा था। तो Realme 3 Pro पर आपको मिलता है Snapdragon 710 with 4 या 6 GB ऑफ रैम। मैं 4 GB वाला वेरिएंट यूज कर रहा था और यहाँ पर आपको ColorOS 6 की अपडेट भी मिलती है। तो मैंने ColorOS 6 Realme 3 पर यूज किया था और वहां पर मुझे उतना अच्छा नहीं लगा था,
मैं वैसे इतना एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था रियल मी 3 प्रो से भी, क्योंकि रियल मी 3 पर कलर ओएस 6 थोड़ा स्टटर कर रहा था और उतना स्मूथ नहीं था। पर मुझे कहना पड़ेगा कि ऑनेस्टली कलर ओएस 6 रियल मी 3 प्रो पर बहुत ही बढ़िया काम करता है। रियलमी ने एकदम डिज़ाइन में चेंज कर दिया है कलर ओएस 6 के साथ। यहाँ पर आपको ऐप ड्रॉअर मिलता है, नोटिफिकेशन ट्रे की डिज़ाइन पूरी अलग है और ऊपर से यहाँ पर आपको एंड्रॉयड पाई भी मिलता है और काफ़ी सारे फीचर्स और जेस्चर्स भी मिलते हैं। गेम स्पेस मेरा सबसे फेवरेट फीचर है रियलमी 3 प्रो पर, क्योंकि इससे क्या होता है कि अगर आप गेम खेल रहे हो तो ये नोटिफिकेशन से आपको इंटरप्ट नहीं करेगा। ये नोटिफिकेशन कोई भी आपको दिखाएगा नहीं जब तक आप गेम खेल रहे हो, तो कोई भी डिस्टर्बेंसेस नहीं आएगी आपको। तो ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि आप ये फ़ोन पर काफ़ी सारे गेम्स खेलने वाले हो, क्योंकि गेमिंग में ये फ़ोन पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आप पबजी की बात कर लो, कॉल ऑफ ड्यूटी की बात कर लो, इनफैक्ट फोर्टनाइट भी चलता है इस फ़ोन पर, तो मुझे तो गेमिंग परफॉर्मेंस में ये फ़ोन पर कोई भी दिक्कत नहीं लगी। ऐसे काफ़ी सारे लोगों को टेंशन था कि क्या ये फ़ोन ओवरहीट करता है, ऐसा कोई प्रॉब्लम है, तो यार मेरे तो टेस्टिंग में मुझे कोई भी ओवरहीटिंग इश्यूज़ नहीं लगे, कोई भी थ्रॉटलिंग इश्यूज़ नहीं लगे। तो मेरे हिसाब से आप सबको ये सब चीज़ के टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, कुछ ओवरहीटिंग का प्रॉब्लम नहीं है रियलमी 3 प्रो पर। तो परफॉर्मेंस और सॉफ्टवेयर में रियलमी ने बहुत ही मस्त काम किया, और इसके अलावा इन्होंने एक बहुत अच्छा काम किया है, वो ये है कि ये फ़ोन पर अभी एंड्रॉयड क्यू की बीटा अपडेट अवेलेबल है। तो इससे क्या होगा कि कस्टमर का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, क्योंकि जब भी कोई भी फ़ोन पर बीटा अपडेट आती है तो ऑफिशियल अपडेट की भी उस फ़ोन पर जल्दी से आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो होपफुली एंड्रॉयड क्यू की अपडेट भी हमें जल्दी से रियलमी 3 प्रो पर देखने मिलेगी। तो ये रियलमी ने एक बहुत ही अच्छा काम किया। तो ओवरऑल यूजर एक्सपीरियंस बहुत ही मस्त है ये फ़ोन पर। अगर आपको कलर ओएस 6 से कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मेरे हिसाब से 14,000 रुपीज़ में ये फ़ोन आपको एक मस्त एक्सपीरियंस देता है। यहाँ पर कोई एड्स नहीं है यूआई में, यहाँ पर आपको वाइडबैंड L1 का भी सपोर्ट मिलता है, तो आपकी जो स्ट्रीमिंग ऐप्स है जैसे कि नेटफ्लिक्स वो सारे फुल HD में चलेंगे। अनफॉर्चुनेटली Amazon Prime अभी फुल HD पर नहीं चल रहा, तो प्रॉबेबली कोई कंपैटिबिलिटी इशू है ऐप का, बट आई थिंक स्लोली ये भी सॉर्ट आउट हो जाएगा। तो ओवरऑल रियलमी ने बहुत ही अच्छा काम किया है कलर ओएस 6 के साथ, और मुझे तो कोई भी दिक्कत नहीं है इस फोन के परफॉर्मेंस में। बस एक एरिया है जहाँ पर मुझे रियलमी 3 प्रो उतना अच्छा नहीं लगा, थोड़ा डिसअपॉइंटिंग लगा, वो है डिज़ाइन और बिल्ड क्वालिटी। यहाँ पर रियलमी ने आपको प्लास्टिक बैग दी है, तो ये ग्लॉसी प्लास्टिक बैग है जो काफ़ी आसानी से स्क्रैच हो जाती है, और ये एकदम प्रीमियम या फिर रिच नहीं लगती। अगर आप इसे रेडमी नोट 7 प्रो के बाजू में रखोगे तो नोट 7 प्रो आपको मच मोर एक्सपेंसिव फोन लगेगा। तो आपको ये फोन एकदम वो प्रीमियम या फिर रिच फीलिंग नहीं देता, तो ये एक एरिया है जहाँ पर मुझे रियलमी 3 प्रो अच्छा नहीं लगा, और यहाँ पर रियलमी को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। पर फिर भी ये उतना भी बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, उतना भी बड़ा डील ब्रेकर नहीं है, क्योंकि आप आराम से कोई भी अच्छा केस या फिर स्किन लगा सकते हो आपके रियलमी 3 प्रो पर, और फिर आपकी प्लास्टिक बैग एकदम प्रोटेक्टेड रहेगी। तो मैंने मेरे रियलमी 3 प्रो पर ये केप्स इंडिया की स्किन लगाई है, तो ये फ़ोन एकदम मस्त दिखता है, और ये स्किन बहुत सारे अलग अलग वेरिएंट्स में अवेलेबल है। तो अगर आपको ये स्किन लेनी है तो मैं आपको लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से इसे खरीद सकते हो। अब हम थोड़ी बेसिक चीज़ों की बात करें तो कॉल क्वालिटी और नेटवर्क रिसेप्शन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं था इस फ़ोन पर। वाईफाई रिसेप्शन भी बहुत ही अच्छा था, और इस फोन पर आपको एक डेडिकेटेड माइक्रो SD कार्ड स्लॉट भी मिलता है। तो अगर आपको दो सिम कार्ड्स यूज़ करने हैं और उसके अलावा आपको अगर मेमोरी कार्ड भी डालना है तो आप ये रियलमी 3 प्रो पर कर सकते हो, तो ये चीज़ मुझे बहुत ही अच्छी लगी। अगर हम लाउड स्पीकर की बात करें तो ये डिसेंट था, उतना भी कुछ एक्सक्लूसिव या फिर अच्छा क्वालिटी का नहीं था, ये नॉर्मल बाकी सारे फोन्स की तरह था। तो लाउड स्पीकर में कोई प्रॉब्लम नहीं लगा मुझे, और ऑडियो वाइज हेडफोन जैक भी ठीक ठाक था। अगर हम इसे Redmi Note 7 Pro से कंपेयर करें तो Note 7 Pro का आउटपुट थोड़ा ज़्यादा लाउड है, पर Realme 3 Pro का भी उतना बेकार नहीं है। बस एक प्रो टिप आपको देना चाहूँगा कि आप सेटिंग्स में जाके रियल सेंस को ऑफ कर देना, क्योंकि रियल सेंस से क्या होता है कि अननेसेसरी आपको एक सराउंड साउंड की इफेक्ट देता है, और मुझे ही अच्छा नहीं लगता टीवी शोज या फिर यूट्यूब वीडियोज़ देखने के टाइम पर। तो आप रियल सेंस ऑफ कर सकते हो, और ऑडियो वाली हेडफोन जैक भी ठीक ठाक है इस फोन का। फेस अनलॉक और फिंगरप्रिंट सेंसर की बात करें तो ये दोनों चीज़ें काफ़ी फास्ट थी रियलमी 3 प्रो पर, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो अगर आपको फेस अनलॉक यूज़ करना है आप कर सकते हो, बहुत ही फास्ट है, और अगर आपको फिंगरप्रिंट सेंसर भी यूज़ करना है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं है इन दोनों चीज़ों में। और फाइनली अगर हम डिस्प्ले पैनल की बात करें तो रियलमी ने यहाँ पर आपको एक 6.3 इंच का 1080p डिस्प्ले दिया है। तो ये साइज़ और रेजोल्यूशन वाइज रियलमी 2 प्रो से काफ़ी सिमिलर है, आपको ड्यू ड्रॉप नॉच भी मिलता है यहाँ पर, और डिस्प्ले क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है, कलर्स अच्छे हैं, व्यूइंग एंगल्स अच्छे हैं, सैचुरेशन भी अच्छा है ये डिस्प्ले का, तो मुझे एक्चुअली कोई प्रॉब्लम नहीं है ये डिस्प्ले से। मेरे हिसाब से 14,000 रुपीज़ को ध्यान में रखते हुए इस फोन का डिस्प्ले बहुत ही अच्छा है, और आप एक्चुअली सेटिंग्स में जाके इस डिस्प्ले के टोन को भी थोड़ा चेंज कर सकते हो। तो अगर आपको डिस्प्ले थोड़ा ज़्यादा वार्म चाहिए या फिर आपको ये डिस्प्ले थोड़ा ज़्यादा कूल चाहिए, तो आप ये सेटिंग्स में जाकर अपने प्रेफरेंस के हिसाब से चेंज कर सकते हो। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो मेरे हिसाब से 14,000 रुपीज़ में रियलमी 3 प्रो एकदम कम्प्लीट पैकेज है, कोई भी मेजर प्रॉब्लम्स नहीं लगे मुझे इस फोन पर। और सबसे बड़ा एडवांटेज रियलमी 3 प्रो का है वो ये है कि ये फोन आपको 24/7 ओपन सेल में मिलता है। तो आप अभी फ्लिपकार्ट पर जाके रियलमी 3 प्रो को खरीद सकते हो, और एक या दो दिन में आपको ये फोन एक्चुअली मिल भी जाएगा, अनलाइक रेडमी नोट 7 प्रो जहाँ पर आपको फ्लैश सेल के लिए वेट करना पड़ता है एवरी वीक, और ऐसे चांसेस भी हो सकते हैं कि आपको फोन ना भी मिले।
तो मेरे हिसाब से रियल मी 3 प्रो की अवेलेबिलिटी इसका बहुत ही बड़ा एडवांटेज है और इसी के कारण बहुत सारे लोग शायद ये फोन खरीद लेंगे क्योंकि ये इंस्टेंटली ऑर्डर करने के लिए अवेलेबल है। और ऊपर से 14,000 रुपीज़ में ये फोन एक कंप्लीट पैकेज है। इस फोन का परफॉर्मेंस अच्छा है, बैटरी लाइफ अच्छी है, आपको वूक चार्जिंग मिलता है, कैमराज इस फोन के बहुत ही बढ़िया है। तो यार 14,000 रुपीज़ में और क्या चाहिए। अगर आपको कलर वाइज से प्रॉब्लम नहीं है तो मेरे हिसाब से आपको ये फोन कंसिडर करना चाहिए और इनफैक्ट खरीदना भी चाहिए 14,000 रुपीज़ में। मुझे रियलमी 3 प्रो को रेकमेंड करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है और मेरे हिसाब से रियलमी ने बहुत ही मस्त काम किया है, वन ऑफ द बेस्ट फोन है ये 14,000 रुपीज़ में। मैं बस वेट कर रहा हूँ कि रियलमी एक्स के साथ क्या करता है, क्योंकि रियलमी के हिसाब से इंडिया वाले रियलमी एक्स में शायद थोड़े अलग स्पेसिफिकेशंस आने वाले हैं। तो मैं पेशेंटली वेट कर रहा हूँ वो फोन के लिए, पर अभी के लिए 15,000 रुपीज़ के अंदर आप रियलमी 3 प्रो खरीद सकते हो, कोई भी टेंशन नहीं है। तो बस यही था मेरा वीडियो रियलमी 3 प्रो के बारे में। अगर आपके वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करो, और अगर आपको इस फोन के बारे में और कोई भी क्वेश्चंस है तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में पूछना, मैं इसे आंसर कर दूंगा। अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और लाल वाला सब्सक्राइब बटन भी दबा दो ताकि आपको ऐसे वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस मिलते रहे। आप मेरे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर सकते हो। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और मैं जल्दी आपके नोटिफिकेशंस में वापस आऊँगा। थैंक यू।